बुलंदी कर्ज वारिश अर्थ जैसी क्लासिकल कल्ट फिल्मों से लोगों के दिलों पर राज करने वाले अभिनेता राजकरण आज कहां है, जिंदा भी है या नहीं, ये कोई नहीं जानता। राज ने 100 से भी अधिक फिल्मों में काम किया और खूब शोहरत कमाई, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब राज को फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया और राज डिप्रेशन में चले गए। उनकी आर्थिक हालत खराब होती चली गई और पैसों की तंगी की वजह से घर में आए दिन कलह होती रही। फिर एक दिन उनकी पत्नी बेटी के साथ राज का घर छोड़कर अलग रहने चली गई। इसके बाद राज काम की तलाश में अपने बिजनेसमैन भाई के पास न्यूयॉर्क चले गए और वहां काम न मिलने पर राज ने टैक्सी चलाना शुरू किया। लेकिन कुछ समय बाद ही वो अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए वापस भारत सत्य साई बाबा से मिलने आए और सत्य साई बाबा के चैंबर की दीवार फांदकर उनसे मिलने के प्रयास में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और बाद में उन्हें मुंबई के एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। इसके बाद राज ने दोबारा से अपने भाई के पास न्यूयॉर्क का रुख किया और इसके बाद अगले 10 सालों तक राज के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। कई फिल्मी सितारों ने भी उन्हें खोजा। दीप्ति नवल ने राज को अमेरिका में टैक्सी चलाते हुए देखा था। वहीं साल 2011 में जब ऋषि कपूर राजकिरण के भाई से मिले तो उन्हें पता चला कि राज पिछले 10 सालों से अमेरिका के अटलांटा के एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती है। उधर राजकिरण की पत्नी और बेटी रितिका ने ऋषि कपूर के इस दावे को झूठा बताया। रितिका के अनुसार उनके पिता 10 सालों से लापता है और पुलिस और निजी जासूस उनकी तलाश कर रहे हैं। सच्चाई क्या है ये कह पाना मुश्किल है और अब ये कोई नहीं जानता कि राज अब इस दुनिया में है भी या नहीं।